वहीं बीएसपी ने कहा कि मौजूदा समय में विपक्ष से बिना बात किए इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। देखिए, ये कई मौके पर कई तरह की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक भाषा बोलते हैं, गृह मंत्री जी कई मौके पे कह चुके हैं कि हम अभी सीए ला रहे हैं, उसके बाद हम लाएंगे एनआरसी। तो ये आज जब देश के अंदर इस तरह का वातावरण बना है तो फिर दो भाषा में बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये इस समय वातावरण देश की आर्थिक दुर्दशा जो हुई है उसको ठीक करने का है। इस समय देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदी आ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और पूरा का पूरा देश आर्थिक बदहाली में ढकेल दिया गया है। इन सवालों पर सरकार को ध्यान लगाना चाहिए, ना कि ध्यान हटाना चाहिए। सरकार की ये कोशिश है कि विभेद पैदा करें और राज करें, ये उचित नीति नहीं है। देश भर में नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी को लेकर हंगामे, तोड़फोड़, आगजनी के बीच राजस्थान के जोधपुर में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने अपने गली मोहल्ले में सीएए और एनआरसी पर लोगों से फैलाई जा रहे भ्रम पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इन मुस्लिम महिलाओं ने लोगों से कहा कि देश के मुस्लिमों का उससे कोई लेना देना नहीं है। इन महिलाओं के हाथ में तख्तियां भी थी जिस पर लिखा था कि झूठ मत फैलाओ। झगड़ा हो रहे से परेशानी हुई, इस काम को लेके बहुत परेशानी हुई, कई सरकारी संपत्ति खराब हुई, कई बच्चे पकड़े गए, कई लोगों के पास आटे के पैसे नहीं थे, उनको भी जमानत पर छुड़ाना पड़ा। हमें शांति चाहिए और अमन चैन चाहिए, हमारे देश में अमन चैन रहना चाहिए। भारत हमारा है और इंडिया हमारी है और हम इस इंडिया में झगड़ा नहीं होने देंगे। गोरखपुर में पुलिस ने दंगे जैसे हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर कुछ दिन पहले हुए बवाल के समय पुलिस हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस की गोली तक नहीं दाग पाई थी और पुलिस के सामने ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसीलिए एक मॉक ड्रिल के जरिए जवानों को दंगे जैसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। मॉक ड्रिल के लिए हंगामे का नकली माहौल तैयार किया गया। इसके जरिए पुलिस वालों ने उपद्रव कर रही भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की। इस बीच पुलिस के जवान हाथों में डंडे और सुरक्षा कवच लेकर पत्थरबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते नजर आए। मॉक ड्रिल के समय पुलिस वाले घायल लोगों को फर्स्ट एड देते हुए भी नजर आए। तो राइट ड्रिल है और जो बंटवार पत्थरी अपना आसपास चल रही है उसको देखकर भी उसका प्रैक्टिस किया गया है, जिसमें पूरा जो पुलिस का बलवा ड्रिल होता है उसमें विभिन्न पार्टियों को सम्मिलित करके उसकी प्रैक्टिस की गई है। अमेरिका में फ्लोरिडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दीवार तोड़कर एक तेज रफ्तार कार वहां बने बैगेज काउंटर से टकरा गई। हादसा रात करीब 3 बजे हुआ जब काउंटर पर एयरपोर्ट के कई कर्मचारी मौजूद थे। तेज रफ्तार में घुसी कार एक महिला कर्मचारी के आगे बने काउंटर की दीवार से जाकर टकराई। दूसरे सीसीटीवी वीडियो में सामने की दीवार को तोड़कर अंदर आती कार दिखी। वहीं एक सीसीटीवी कैमरे में एयरपोर्ट के बाहर से तेज रफ्तार कार के अंदर घुसने का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ। दीवार के मलबे को उड़ाते हुए वो कार काउंटर से टकराई, रुक गई। इस हादसे में एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी सुरक्षित बच गए। पुलिस ने कार के ड्राइवर की हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही उसके नशे में होने का शक भी जाहिर किया।